टाटा की तरफ से एंट्री लेवल हैचबैक जो है वो किस रूप के अंदर अब आप लोगों के सामने पेश है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टियागो। अब टियागो जो है वो आ गई है ईवी के रूप के अंदर। जी हाँ, बहुत ही किफ़ायती प्राइस के अंदर इन्होंने लॉन्च करी है। हालांकि टाटा का कहना है कि ये जो है उनके इंट्रोडक्टरी प्राइस है, शुरुआत के 10,000 जो भी कस्टमर होंगे उनको वो मिलेगा, लेकिन शुरुआत के सिर्फ 10,000 को। अब हम आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं कि कैसी है ये गाड़ी, क्या आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या किन लोगों के लिए जो है ये गाड़ी बेस्ट रहेगी। टियागो निश्चित तौर पर जो है वो एक एंट्री लेवल हैचबैक के अंदर काफ़ी किफ़ायती समझी जाती है, काफ़ी मजबूत समझी जाती है और साथ के साथ काफ़ी आरामदायक भी समझी जाती है। लेकिन अब यही सारे गुण जो हैं इसको ईवी के रूप में भी पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है प्राइस जो है वो काफ़ी किफ़ायती समझा जाएगा डेफिनेटली, और आप सभी लोगों को पता है कि 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ तो आती है। और रही बात कंफर्ट वगैरह की, तो अंदर का जो इंटीरियर जो है या बैठने की जो जगह है उसके अंदर कोई बदलाव वगैरह हुआ नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत जहां जहां पर ईवीज़ का टच देने की जरूर कोशिश करी गई है इंटीरियर के अंदर, जैसे कि लाइन आ गई आप देख पा रहे होंगे इंटीरियर के अंदर, और ऐसा ही जो है एक्सटीरियर के अंदर भी। मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो है ये जो है यहां पर आपको अलग अलग कलर्स तो दिख जाएंगे, लेकिन ये वाली जो लाइन है ब्लू वाली ये इसी के अंदर हमेशा ही रहेगी। वैसे भारी रंग रूप अगर देखें तो इसके अंदर ड्यूल टोन जो है वो कलर अब आ गए हैं इसके अंदर। अब देखो यार, ईवी का जो मेन चीज होती है कि कितनी मतलब कि चलती कितनी है ये गाड़ी। तो एक बार सिंगल चार्ज होने पर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर दो बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे, एक 24 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा 19.2 का। तो जो आपको 24 वाला जो है वो आपको निकाल करके देगा 315 किलोमीटर की रेंज जो कि सिंगल चार्ज करने पे चलेगी, और जो दूसरा वाला है वो निकाल करके देगा 250 की। अच्छा, और मोटी मोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो जिनके पास टियागो वगैरह का टॉप वेरिएंट भी है तो इसके अंदर भाई साहब आपको TPMS वगैरह जो है वो भी आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा। बाकी सीटिंग वीटिंग जो है यार वो काफी अच्छी है, काफी कंफर्टेबल जो है वो मानी जाती है, और मेरे को जो है वो इनके जो सस्पेंशनों से जो है ना बड़ा ही प्यार है। एंड आई होप कि इसके अंदर भी जो सस्पेंशन जो है वो चेंज ना करे गए हो, वैसा ही जो बिहेव जो है, हालांकि वो तो जब ड्राइव होगी तभी हम आपको बता पाएंगे। एक बहुत तगड़ी चीज है, एक बहुत ही काम की चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये कि जो लोग छोटी गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक की भी कॉस्ट लगभग इतना तो पहुंच ही जाती है आजकल यार दोस्त, ठीक है। अब वही आपको चीज इसके अंदर मिल जाती है, ऑटोमेटिक भी मिल जाती है आपको गाड़ी, आपकी जेब के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगी, डे टू डे रनिंग जो है आपकी काफी कम रहने वाली है, ना आपको डीजल डलवाना पड़ेगा ना आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो ये बहुत तगड़ी पॉजिटिव चीज जो है वो इसकी निकल करके सामने आती है। अब रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो जो टियागो की जो बैटरी आती है वो आती है IP67 रेटिंग के साथ में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भले ही बारिश वारिश के अंदर भी आप चला रहे हो तो आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, डस्ट वगैरह के अंदर भी आप चला रहे हो तो आपकी कोई गाड़ी को खतरा नहीं है। और रही अगर देखो, मैं बात ये नहीं करता कि भाई कंपनी जो क्लेम कर रही है 315 किलोमीटर की क्लेम कर रही है, ठीक है, चलने पे या 250 की कर रही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सा फिगर जो एक जो यूज़र जो है वो जो चलाता है उसको कितना निकालते, अगर 200 भी निकालती है, 200 से 220 के आसपास भी निकालती है, तो आप डेली देखिए कि आपका अगर डेली का रन 150 भी है तो कितनी परफेक्टली फिट बैठती है आपके ऊपर ये गाड़ी। मैं कहता हूं कि देखिए बेस वेरिएंट की मेरे को नहीं लगता कि प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी या कितनी होगी। 10 तारीख से बुकिंग वगैरह स्टार्ट है, अगर आप जो भी आपकी पॉकेट को अलाउ कर रहा है वो जा करके बुक जरूर करवा लेना कभी, क्योंकि आजकल वेटिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो वेटिंग के अंदर तुरंत चली जाती है गाड़ियाँ। साथ के साथ मैं एक बार बूट और दिखा देता हूँ, बूट मैं एक बार आगे से खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई कितना जो है बूट स्पेस के ऊपर असर पड़ा है। बूट जो है वो ये देखिए डेफिनेटली कम हुआ होगा, जी हाँ बिल्कुल कम हुआ है, जहाँ पर टियागो के अंदर थोड़ा सा डीप देखने को मिलेगा। इसके अंदर कारण क्या है कि इसके अंदर शायद यहाँ पर बैटरी आ गई होगी, जी हाँ ये देख रहे हो ये चीज़ जो है ये चीज़ आ गई, और साथ के साथ इसके अंदर जो है ये है आपका चार्जिंग का पूरा केबल वगैरह जो है ये पूरा दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है वो तेज तर्रार कितनी है, मतलब कि जिनको एनर्जी पसंद है, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक गाड़ियाँ पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 0 to 60 ये 5.7 सेकंड्स के अंदर कवर कर लेती है, जो कि काफ़ी एक तरीके से फास्ट है। तो डेफिनेटली जो टियागो बैठने के अंदर तो पहले भी कंफर्टेबल थी, अभी भी कंफर्टेबल है, एक बार ड्राइव जब आती है तो वो भी आपको चला करके जरूर बताएंगे कि कैसी ये गाड़ी चलती है। बहरहाल जिस प्राइस के अंदर ये लॉन्च हुई है उस हिसाब से मेरे को ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है ये गाड़ी लग रही है।
खास तौर पर आप इंट्रोडक्टरी प्राइस की मैं बात करता हूं तो अगर आप उन 10,000 कस्टमर में शुमार हो जाते हैं तो लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी इसकी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी खास तौर पर टियागो, ठीक है, जो कि अब ईवी के रूप में आप लोगों के सामने है। नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा और हमें जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, आगे वाले भी और पीछे वाले भी, और अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।